बारिश थी तो फिर बंद हो गया। फिलहाल तो बस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज हम अभी यहाँ से चेकआउट करने लगे हैं मरी से और अब हम डीनो वैली जा रहे हैं। मेरी सिस्टर ने बताया है कि डीनो वैली ना बहुत प्यारी जगह है बच्चों को देखने के लिए, तो बस आज हमने वहीं जाना है। यहाँ से निकलते ही बारिश का मौसम है और बारिश हो रही है और बहुत प्यारा वेदर है। मतलब पिछले 2 डेज़ में हमें अच्छा वेदर मिला लेकिन आज का वेदर तो बहुत ही खूबसूरत है। बट आज जब हम जा रहे हैं देखते हैं, अल्लाह करे आगे भी अच्छा ना इसी तरह का वेदर हो तो मज़ा आएगा। डीनो वैली में और भी मज़ा आएगा अगर वेदर अच्छा हुआ तो। चलें चलते हैं अभी। साधु देखिए जी, अभी भी ना मैंने पैक रखा हुआ है साधु को। अब सोचा ये कि इस्लामाबाद जाके ना इसका मैं चेंज कर दूँगी, बिकॉज नीचे इसको मैंने ट्राउज़र ब्लू पहनाया है, ऊपर शर्ट जो है वो मोटी है, तो वही चेंज कर दूँगी इस्लामाबाद जाके। अभी तक तो बहुत ठंड है, बारिश भी हो रही है, तो मैं नहीं चाहती इसे ठंड लग जाए। एंड सामान से गाड़ी भरी हुई है, जगह ही नहीं है कुछ रखने के लिए। तो ये देखिए हसन बैग पकड़ा रहा है, हमने कहा आगे कहीं एडजस्ट कर लो बैग, बिकॉज पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं है किसी चीज़ की। देखो कहाँ रखता है ये। बच्चे सारे ही सो रहे हैं, मूसा बस जाग गया, उसको भूख लग रही है, इनको कोई खबर नहीं है कैसा मौसम है कैसा नहीं। अब एक जगह पे रुकेंगे, बच्चों के पैंपर्स वगैरह चेंज करेंगे, भूख वगैरह नहीं लगी, तो अभी सीधा आगे फिर मुनाल से आगे डीनो वैली जाएंगे। साधु देखिए इसको पसीना आया, बड़ा गर्मी है यहाँ पे, मौसम अच्छा है बट वो वाला सीन नहीं है कि ठंड है, तो बस अब बच्चों के कपड़े चेंज करते हैं। साधु उठ चुका है और ये देखें कितने गौर से बाहर मौसम इंजॉय कर रहा है, लगता है इसको भी ना मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, कितना मज़ा कर रहा है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपके पास सारे बैग्स होते हैं, फीडर होते हैं, पैंपर का सामान होता है, सब कुछ होता है। अभी जैसे मूसा को भूख लगी है तो अब हम दूध बना रहे हैं, तो बस ये सब कुछ चलता रहता है। किड्स के साथ ट्रैवल करेंगे तो ये सब कुछ तो करेंगे ना।
बच्चों के टेम्पर वगैरह चेंज किए हैं और खुद भी थोड़ा रिलैक्स किया, पर बारिश हो रही थी ना तो ज़्यादा देर रुके नहीं है, तो बस मुनाल वाली रोड के ऊपर जो है वो चढ़ पड़े हैं और अब जाएंगे दीनो वैली इंशाल्लाह ताला। मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये ना दीनो वैली जो है ये मुनाल से कोई 4 to 5 किलोमीटर आगे है, तो बस अब हम ना पहुंचने ही वाले हैं दीनो वैली। चलें जी, हम दीनो वैली जो है वो पहुंच चुके हैं, चलें देखते हैं अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। बस अब यहाँ पे जो है रुक के निकलते हैं बाहर और वाओ, लग तो प्यारी सी जगह रही है। बाहर निकल आए हैं और यार कमाल का मौसम, यहाँ पे एक ना प्यारा सा म्यूज़िक चल रहा है और क्या खूबसूरत जगह है। मैं वैसे पहली दफ़ा देख रही हूँ, कमाल है यार। बाकी सब चीज़ें ना देखी हुई थी लेकिन ये जगह जो है ना वो नहीं देखी हुई थी, मज़ा आ गया। हमें नथिया गली में गाड़ी मिली नहीं है और ये देखिए इस गाड़ी में हम बैठने का शौक़ पूरा कर रहे हैं। तुम इधर उधर फिर रहे हैं, साथ जो है वो अली ने उठाया हुआ है, वो पीछे बैठ गया सर। हमारी गाड़ी चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। आपस की बात है वैसे, इतना मर्जी इंसान बड़ा हो जाए ये वाली चीज़ें इतना इंजॉय करता है। व्यू तो है ही बहुत प्यारा, लेकिन छोटी वाली गाड़ी कमाल की है। यार मुझे समझ नहीं आ रही कि साथ की नींद क्यों नहीं पूरी हो रही, हद है वैसे साधु। चलें जी, हम ऊपर पहुंच चुके हैं और ये वाकई बहुत खूबसूरत जगह है, सब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और ये कितने फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं, हमारे बेबीज भी तीनों, माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह बनाई हुई है अभी। ये देखें बच्चे यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है। आप लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पे ज़रूर लाएं, बहुत प्यारी जगह है माशा। और सबसे मज़े की बात है यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत, मतलब एक तो वैली उन्होंने इतनी मज़े की बनाई है लेकिन यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है। ये देखें जी, ये ट्रेन है यार, कमाल है। ये सब कुछ उन्होंने आर्टिफिशियल बनाया होगा देखें, लेकिन कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें ये सारा व्यू कितना प्यारा आ रहा है यहाँ से, कमाल की जगह है, हाईली रिकमेंडेड। अच्छा अब हम लोग जा रहे हैं, एक ना हमें जगह पता चली कि वहाँ पे आप बच्चों को छोड़ सकते हैं, केयर टेकर भी होती है और वो आराम से बच्चों का ख्याल रख लेती है वहाँ पे, तो बस अब वहीं जा रहे हैं, बच्चों को वहाँ छोड़ते हैं, अब थोड़ा अपना मज़ा कर लेते हैं। अभी क्योंकि बारिश थोड़ी देर पहले ही रुकी है तो अभी झूले बंद हुए हुए हैं, बच्चे अभी पहले हम अंदर छोड़ देते हैं, वहाँ मज़ा कर लें, जब झूले खुल जाएंगे तो रूम ही है वो एंजॉय कर लेगा, बाहर आएगा। साधु लोग तो अभी साधु मियाँ हैं सारे, साधु मूसा वो बेचारे अभी क्या एंजॉय इतना कर सकते हैं झूले, भाई कमाल है। ये देखें एक एक चीज़ उन्होंने ना बड़ी वो बनाई हुई है मेहनत से, देखने वाली जगह है। अब उधर ही जा रहे हैं आगे, अब यहाँ से चल के ये जी वो जगह है जहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ना ये कुछ पैसे लेते हैं बच्चों के केयर टेकिंग के लिए,
और दूसरा रूमो के लिए हमने बैंड ले लिए कि वो सारे चूड़े लेगा। हम उनके प्ले एरिया में इधर अंदर आ चुके हैं और वाकई मज़े की जगह है यार, इन्होंने अंदर भी इतने झूले लगाए हुए हैं। यानी बच्चा अगर फॉर एग्जांपल आप इधर अंदर छोड़ के जाते हैं तो वो ऐसे नहीं होगा कि वो बोर होगा। ये देखिए रूमू डिफरेंट झूले जो है ना वो फ़ौरन आके चढ़ना शुरू हो गया, तो मज़े की जगह है यार। आप सब भी अपने बच्चों को ज़रूर लाएँ यहाँ पर। रूमू जितने बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब वो कितना इंजॉय कर रहा है। पहले एक झूला ले रहा है फिर दूसरा झूला ले रहा है, लगता है यार इसके झूलों का सारे शौक पूरे हो जाएंगे। एंड साधु और मूसा जितने जैसे बच्चे इस जगह पर इंजॉय करते हैं। ये देखो जी दोनों अंदर पड़े हुए मज़े कितने कर रहे हैं, मतलब यार इतने छोटे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं यार, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा जी बच्चों को वहाँ छोड़ के हमने सोचा है वो थोड़ा इंजॉय कर ले, हम मोशन राइड लेने के लिए आए हैं। अब यहाँ पे मोशन राइड के लिए अंदर जा रहे हैं। मोशन राइड जो है हम लोग ने सोचा कि ये वाली ले लेते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इनकी ना बाकी सब कुछ अच्छा है लेकिन इनकी मोशन राइड बहुत बुरी है, तो आप ना लीजिएगा। हमने तो चलो पैसे भर लिए थे तो हम ले ही रहे हैं यार। आपको इस मोशन राइड में फील ही नहीं होता कि आप स्क्रीन के अंदर चले गए हो, आपको ऐसे लगता है कि आप बाहर बैठे हुए बस आगे स्क्रीन चल रही है, और ग्लासेस भी बहुत बुरी हैं। चाहे डिनो वैली बहुत अच्छी है लेकिन मोशन राइड नहीं यार, मत लीजिएगा। हम लोगों ने शुक्र किया कि मोशन राइड ख़त्म हो गई, तो खुद से गंदी सी। अच्छा बाकी ये कि हम बाहर आ गए हैं और ऊपर जहाँ पे पहले आपको दिखाया था ना एरिया कि हम नीचे प्ले एरिया में बच्चे छोड़ने गए थे, तो ये वहाँ की सारी वो व्यू है तो कमाल का है, ये देखिए ज़रा। और अब हमने सोचा कि हम ऊपर जाते हैं पिक्स वगैरह बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं थोड़ा सा। ये देखें जी एंटर हो रहे हैं हम सारे। ये देखें जी डोर कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, कमाल है जी कमाल। अच्छा इन्होंने ना डिफरेंट जगह पे आर्टिफिशियल एनिमल्स वगैरह बनाए हुए हैं, ऊपर ऊपर करके चढ़ते जाओ तो ऊपर ऊपर एनिमल्स आते जाते हैं, और बस उसके साथ आप पिक्स बना सकते हैं। और मौसम तो आपको पहले ही पता है कि मनाल का इतना खूबसूरत होता है, तो ये तो मनाल से भी ऊपर है तो इसका मौसम कितना खूबसूरत है, वैसे मज़ा आ रहा है यार। अच्छा ये जो आवाज़ें पीछे आ रही है ना ये उन्होंने एनिमल्स के अंदर लगाई हुई हैं, बच्चों को वैसे हर तरह के यहाँ पे जो है ना एनिमल्स वो देखने को मिलेंगे। अगर आपके बच्चे यहाँ पे आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। पर सबसे अच्छी बात पता है कि इस जगह की कि यार ये जगह इस्लामाबाद के बिल्कुल नज़दीक है, मतलब तो आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता और आप आराम से बच्चों को यहाँ पर इंजॉय करा सकते हैं। मनाल तो हम आते थे ना इंजॉय करने के लिए, लेकिन अब मैं कहूँगी कि मनाल की जगह बच्चों को इधर ले आओ। ये देखें कि ये एंड पे इन्होंने ना ये मंकीज वगैरह इतने बड़े बड़े मंकीज आए हैं क्या है, चलो जो भी है हम सब ने यहाँ पे खड़े होकर पिक्स बनाई है बच्चों की। कहीं कहाँ कहाँ हमने पिक्स बनाई है आज। ये देखें जी ऊपर वाला व्यू, माशाल्लाह। अब सोच रहे हैं कि वापस चले जाएं, अली तुम भी कह रहे हैं कि वापस चले जाओ। लेकिन फिर हमने सोचा कि यार यहाँ पे वो झूले वगैरह जो है वो खुल के होंगे, तो बोट जो है ना उसका झूला ले लेते हैं क्योंकि वो ऑल टाइम मेरी फेवरेट है, तो वो वहाँ जा रहे हैं।
अच्छा, अब हम लोग ने सोचा कि अब हम ना प्ले एरिया की तरफ चलते हैं। बच्चे जो है ना, कॉल आ गई हमें कि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गए हैं, तो अब चलते हैं। बच्चों की भी बस हो गई है बेचारों की। अब मैं इसको ना हंसाने की कोशिश कर रही हूँ और वो हंस पड़ा, बस हंसने वाला है। पक्का हुआ बड़ा, हंस पड़ा, शुक्र है अल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा सा रिलीफ हुआ यार। वो जब आई थी ना तो बहुत ज़्यादा वो रोया रोया हुआ पड़ा था। देर भी तो इतनी हो गई थी ना, 2-2.5 घंटे हो गए थे। अच्छा भाई, इनकी जो केयर टेकर है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों का ख्याल रखा है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब 2-2.5 घंटे हम बाहर फिरते रहे हैं और बच्चे, मतलब उसमें उनको भूख भी लगी। ऑल्दो हमारी हेल्पर भी साथ थी, लेकिन वो खुद बता रही है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है। मतलब पहली जगह होगी जहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह का वो एरिया बना हुआ और केयर टेकर्स हैं और आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। क्योंकि आप जब ट्रैवल पे आते हैं तो आप खुद भी थक जाते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए वो रिलीफ चाहिए होता है। अब ये देखो जी, हम वहाँ से निकले ही हैं ना, तो ये डायनासोर और सारे ये झूले ना चल गए। मैंने आपको कहा था ना कि झूले बंद हुए हैं बारिश की वजह से, तो रूमों ने झूला लिया है, बस अब निकलते हैं। चलें भाई, चलते हैं। चलेंगे यहाँ पे, हमारा टीनो वैली का व्लॉग जो है वो ख़त्म होता है। बस अब चलते हैं और उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।